हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज को। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द। सो नॉर्मल कर्व जो होता है वो आपका एसिम्प्टोटिक होता है। सो ये बेसिकली एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है यहाँ पे, सो उसको हम एक बार देख लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया नॉर्मल कर्व जो एसिम्प्टोटिक है ये एक्स एक्सिस पे होता है एसिम्प्टोटिक, वाई एक्सिस पे होता है, बोथ एक्सिस पे होता है या नन ऑफ द अबव। सो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सिस की, सो देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखता है आपका नॉर्मल कर्व। यहाँ पे ये होता है आपका मिडल पॉइंट और मिडल पॉइंट में ही आपका मीन लाई करता है, यहीं पे आपका मीडियन होता है और यहीं पे होता है आपका मोड। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस होती हैं बेसिस, ये बेसिकली आपकी एक्सिस है और ये जो नॉर्मल कर्व की लाइन है ये कभी भी टच नहीं करती आपस में, ये इनफाइनाइट पॉइंट तक टच नहीं करती आपस में। सो ये इसी को बोला जाता है, इसी प्रॉपर्टी को इसको बोला जाता है एसिम्प्टोटिक कर्व। सो यहाँ पे जो नॉर्मल कर्व है इसकी लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली जो लाइन होती है आपकी y एक्सिस होती है, ये आपकी x एक्सिस होती है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 10 देन स्टैंडर्ड डेविएशन वुड इंक्रीज बाय 10, मीन डेविएशन वुड इंक्रीज बाय 10, स्टैंडर्ड डेविएशन वुड डिक्रीज बाय 10 एंड ऑल ऑफ दीज वुड रिमेन अनचेंज्ड। सो इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर हम 10 ऐड कर देंगे और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यूज के अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो देखिए, अगर हम कोई भी एक सिंपल रैंडम नंबर ले लेते हैं 2, 3, 4, 9। अब 2, 3, 4 है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे x बार आपका क्या है, मीन, ये आपका मीन और ये आपका नंबर। चलिए अब मीन निकाल लेते हैं इसका, तो 2, 3, 4 का होता है आपकी वैल्यू आएगी 9। अब 9 का मीन करेंगे हम तो ये आएगा 3। अब देखिए 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 का स्क्वायर, अगर हम तीनों को कैलकुलेट करें तो आपका आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर होगा आपका -1 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। सो अगर हम तीनों को देखें तो यहाँ पे आएगा 1, 0, 1, सो आपका आ गया आंसर 2। अब देखिए यहाँ पे आपका सिग्मा आ चुका है, सिग्मा x माइनस एक्स बार की आपकी वैल्यू आ चुकी है 2। चलिए अब n है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर है आपके पास, 3, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा दैट इज 2/3 का अंडर रूट। हम इसको साइड में रख लेते हैं, ये आपका नॉर्मल वैल्यू आ रही है अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम 10 ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे क्या उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो चलिए देखते हैं। सो आपकी जो पहले वैल्यू आई थी वो आई थी अंडर रूट 2/3। अब सेकंड देख लेते हैं, हमने वैल्यू ली थी 2, 3 एंड 4, अब हम ले लेंगे इसको 12, 13 एंड 14। अब इसका देखते हैं, अगर इसको ऐड करेंगे तो आएगी वैल्यू आपके पास 39। अब 39 का हम मीन निकाल देंगे तो वो आपका आएगा 13। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 माइनस 13 का स्क्वायर, 13 माइनस 13 का स्क्वायर, 14 माइनस 13 का स्क्वायर, सो आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सो ये भी आपका आ रहा है 1, 0 एंड 1, दैट इज 2। सो आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2/3 का अंडर रूट। सो देखिए ये वैल्यू आपकी और ये वाली वैल्यू आपकी सेम है। सो देखिए जब हम 10 ऐड कर रहे हैं सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। सो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है That is standard deviation would increase by 10, ये incorrect हो गया। So आपका option number A is incorrect। चलिए option number 2 देख लेते हैं इसके अंदर।
मीन डेविएशन वुड इंक्रीज बाई 10। सो देखिए मीन डेविएशन पहले इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो मीन डेविएशन का आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉडुलस डी एक्स बार अपॉन एन। चलिए अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस क्यों लगाया कि बेसिकली यहाँ पे जो भी मीन डेविएशन के अंदर वैल्यू ली जाती है उसके अंदर साइंस को इग्नोर किया जाता है। सो यहाँ पे ये प्लस माइनस साइन नहीं लिए जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं 2, 3 और 4 का मीन डेविएशन। सो इसका मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसी की इसका हम मीन निकाल लेते हैं। सो मीन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका मीन 3। सो यहाँ पे मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए 2 - 3, 3 - 3 और 4 - 3। अब यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। सो मॉडुलस लगाने से यहाँ पे साइंस को नेगेटिव में नहीं लिखेंगे हम। सो 2 - 3 आपका हो जाएगा 1, 3 - 3 आपका हो गया 0 एंड 4 - 3 हो गया आपका 1। सो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 2। सो आपका मीन डेविएशन आएगा 2/3। चलिए अब इसका अंडर रूट नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हम इसके अंदर 10 ऐड करते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो पहले वाले की आपकी वैल्यू आई थी 2/3। सेकेंड देख लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ले लें 12, 13 और 14, सो यहाँ पे आपका टोटल आएगा 39। इसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो आपका आ जाएगा 13। अब यहाँ पे देखिए 12 - 13, 13 - 13 और 14 - 13, ये मॉडुलस लग गया आपका। सो यहाँ पे आपका आ गया -1, 1, 0 और 1। सो इसके अंदर हम साइंस को इग्नोर करेंगे। सो आपका यहाँ पे आएगा 1, 0 और 1। सो आपका टोटल हो गया 2। सो 2/3 आपका आंसर आ रहा है। सो देखिए ये आपका पहले वाला आंसर और सेकेंड वाला आंसर दोनों सेम है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो मीन डेविएशन वुड इंक्रीज बाई 10। सो यहाँ पे इंक्रीज तो कुछ हो नहीं रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं इसके अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन वुड डिक्रीज बाई 10। सो देखिए हमने अभी जो सॉल्व किया उसके अंदर हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी भी आपका इनकरेक्ट है। ऑल ऑफ दीज वुड रिमेन अनचेंज, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सो आप उसको याद कर सकते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड किया जा रहा है वैल्यूज के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। log 8 + log 9 इज एक्सप्रेस एज, सो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि अगर log 8 + log 9 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सो देखिए जब भी log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आप उसको याद रखेंगे सो यहाँ पे इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए log a + log b होता है आपका log a into b। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा log 8 into 9। सो यहाँ पे आ गया log 72। सो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज a। चलिए अगर हम और भी प्रॉपर्टीज देख ले log की, सो अगर यहाँ पे log माइनस का होता है दैट इज log 8 - log 9। सो यहाँ पे आपका आ जाता log a / b दैट इज log 8/9। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आप इसको याद रखिए सो दैट आप एग्जाम के अंदर इसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली विद। सो बेसिकली यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। सो इसके अंदर बोला गया ऑल ऑब्जर्वेशन हैव द सेम साइन एंड नॉन इज जीरो, ऑल ऑब्जर्वेशन हैव द डिफरेंट साइन एंड नॉन इज जीरो, ऑल ऑब्जर्वेशन हैव सेम साइन एंड वन इज जीरो एंड ऑल ऑब्जर्वेशन हैव डिफरेंट साइन एंड वन इज जीरो। सो देखिए बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी की, सो देखिए ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते कैसे हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है x1 × x2 × x3, ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन को। नाउ अब यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं इसको n से डिनोट किया जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। सो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर जीरो होती है सो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे जो जीरो है ये नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सो देखिए ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए बिकॉज यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया आपसे 1 is 0, सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर रिजेक्टेड। अगर हम ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी की बात करें, सो देखिए बेसिकली यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पे जो जितने भी नंबर्स हैं वो सिमिलर साइन के होने चाहिए, सारे सिमिलर साइन के होने चाहिए। सो
यहाँ पे सिमिलर साइन क्यों होने चाहिए? अब देखिए ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम साइन एंड नोन इज जीरो, सो आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ होगा यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाई 2 देन, सो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई 2, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी हाफ ऑफ द प्रीवियस स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड इंक्रीज बाई 2 एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड इंक्रीज बाई 2। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपसे बोला गया कि अगर हम ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या चेंज आएगा। सो देखिए अभी हमने अर्लियर क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम ऐड अप कर देते हैं कोई भी नंबर तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या उसके अंदर चेंज आएगा। सो यस, इसका आंसर है इसके अंदर चेंज आएगा। अब कितने से चेंज आएगा, सो इसके अंदर हम किसी रैंडम सीरीज को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, सो दैट हम इसके अंदर कंक्लूड कर पाए कि आपका आंसर क्या होगा। सो देखिए हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 2, 3 एंड 4। सो इसका अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था अर्लियर क्वेश्चन में, तो उसके अंदर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था, अंडर रूट 2/3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आपका आ जाएगा 2 × 2, 4, 6 एंड 8। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें सो यह आ जाएगा आपका 18 का होगा आपका एवरेज 6। अब देखिए 4 − 6, 6 − 6 एंड 8 − 6, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 एंड 2 का स्क्वायर 4। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रही है आपकी 8। अब देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 8/3। अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर कितना फर्क है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। सो अगर हम 8/3 को सॉल्व करेंगे सो ये आपका आएगा 2.67। देखिए यहाँ पे बेसिकली एग्जाम के अंदर इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपसे नहीं दिया जाएगा, इतना कैलकुलेटिव, मैंने इसको समझाने के लिए आपके सामने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया है। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा था वैल्यू 0.67 और इसके अंदर आपकी आ रही है 2.67। नाउ अब इन दोनों का अंडर रूट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली 0.67 का अंडर रूट एंड 2.67 का अंडर रूट। सो अगर हम इन दोनों को अंडर रूट करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा, चलिए इसका अंडर रूट सॉल्व करके देखते हैं, 0.81 आ रहा है इसका, 1.63 आ रहा है इसका। सो देखिए ये बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को आप देखें तो ये सेकेंड वैल्यू जो है आपकी ये एग्जैक्ट डबल है फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे बोला गया न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई 2, सो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम और फर्दर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, सो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।